जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बता क्या हुआ। हम लोग पारसी एक्टर्स ढूंढ रहे थे, तो वो ढूंढते ढूंढते मैं पारसी कॉलोनियों में चला गया, आर्किटेक्चर फुल रैबिट होल में चला गया और पारसीज के बारे में रिसर्च करने लगा। मुझे एक आर्टिकल मिला जिसके मुताबिक उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पारसीज की एक बॉडी है, उन्होंने बोला है कि एक पुअर पारसी होता है। पुअर पारसी मतलब गरीब पारसी। अच्छा, मतलब नॉर्मल मीनिंग ऑफ पुअर ना। हाँ, लेकिन पुअर पारसी जो उनकी डेफिनेशन है वो उन्होंने डिफाइन किया है। डिफाइन किया है उन्होंने कि ये ऐसा होगा तो ये पुअर कंसिडर होगा। हाँ, और क्या होगी उसकी, उसका एक उसका पुअर पारसी का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पर मंथ वो पारसी कम से कम, मतलब इतने अमाउंट से कम कमा रहे हैं। तो क्या होगा वो अमाउंट, तो वो जो पॉवर्टी लाइन होता है उसका डिसाइडेड नहीं है। मतलब अगर पॉवर्टी लाइन तो गवर्नमेंट की तरफ से है, ये पारसीज की बात हो रही है। सिर्फ पारसीज में होता है, ओनली पारसीज। अ पुअर पारसी इज एनी पारसी, गरीब पारसी कोई भी ऐसा पारसी है जो पर मंथ 90,000 रुपए से कम कमा रहा है। पर मंथ? हाँ, उसको पुअर मानते हैं वो लोग, पुअर पारसी मानते। वैसे एक्चुअली रियल में देखोगे तो उतना तो चाहिए। उस आर्टिकल में लिखा था दिस एफ्लुएंट कम्युनिटी, एफ्लुएंट तो होती है, चलो ये रईस कम्युनिटी, रईस है। बट ये तो मतलब सुपर्ब है। तो ये तो हमारे बारे में क्या ही सोचते होंगे हम, जब नॉर्मल कम्युनिटीज के बारे में ये पुअर के भी लायक नहीं। ऐसे पुअर। तेरा कोई पारसी दोस्त है क्या? नहीं यार, काश होता। हाय पारसीज। कोई, मेरे को नहीं लगता कोई पारसी मेरा वीडियो देखता होगा। नहीं देखता। उसको इतना पैसे कमाने, वो कहाँ है उसके पास टाइम। वो तो पुअर, तू समझ रहा है, 90 में इंसान रिच नहीं हो रहा है, वो पुअर हो रहा है। तो रिच बनने के लिए उसको बहुत कमाने पड़ रहे होंगे, तो वो कहाँ मेरा वीडियो देख रहा होगा। नहीं देख रहे होंगे। एनी रिच पारसी वॉचिंग दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर अमंग द रिच पारसीज, इवन द पुअर वंस, लाइक 89,000 पर मंथ, 88,000 पर मंथ, उनके साथ भी शेयर करो। और मनोज पंजाबियों के लिए नया लेके आए। पुअर पंजाबी कौन होते हैं? व्हाट इज अ पुअर पंजाबी? पुअर पंजाबी वो है जिसने हर महीने 90,000 रुपए खर्च नहीं किए। मिनिमम 90,000 पर मंथ स्पेंड करना है आपको, तब जाके कहीं आप पुअर पंजाबी हो। What is a poor Gujarati? पता नहीं। अरे मैं जब गुजरात गई थी ना, तो वहाँ पे एक अंकल थे, तो उनको पहले स्टार्टिंग में लगा कि मैं पंजाबी हूँ, क्योंकि मैं ऐसी लगती थी उनको, नॉर्थ इंडियन, तो वो सोच रहे पंजाबी होगी नॉर्थ इंडियन में। तो कहते हैं तुम लोगों का बहुत खर्चा होता है ना, बहुत खर्चा करते हैं। हमारे में ऐसा रहता है कि मतलब अगर दिख रहा है ना कोई अमीर, तो वो अमीर नहीं है। सब उसको पूछते उसका पता, अकाउंट में कितने पैसे, दिख वेख रहा है ठीक है, अकाउंट में कितने पैसे। लेकिन पारसीज का मस्त है, वो दिखते भी अमीर है और रहते भी एकदम मस्त लाइफस्टाइल से, क्योंकि बेबू वो अमीर होते हैं। 90,000 पर मंथ इज अमीर। नॉट मतलब हाँ, बॉम्बे में शायद इतना नहीं अमीर नहीं होगा, बट आउट ऑफ बॉम्बे तो अमीर ही हुआ। 90,000 इज अ गुड। पर वो रहे ये इधर ही रहे मोस्टली मुंबई। नहीं नहीं, गुजरात में रहते हैं ना वो लोग। गुजरात, हाँ वैसे मैं सेटलमेंट्स देख रहा था, तो गुजरात, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता में भी है? चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई में थोड़े थोड़े हैं, मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी तो मुंबई में ही है। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पारसीज की वजह से ये मुंबई सिटी जो है ये अभी जैसे बहुत तेज़ी से बदल रही है, मेट्रोपॉलिटन कंस्ट्रक्शंस बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, बट जो जो ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिन्होंने जो फेस ऑफ मुंबई है, जैसे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वो बाहर की बिल्डिंग,
बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है पुराने, रीगल सिनेमा, ये सब पारसी कंस्ट्रक्शन है। हाँ ऑफकोर्स, नरीमन, सारे तो ये पारसी सरनेम्स है, पारसी ही है साउथ बॉम्बे का सारा कंस्ट्रक्शन। अभी ये देखो अपना एयरलाइंस भी वो हो जाए वो भी पारसी हो रहा है अपना पर मुझे पारसी अच्छे लगते हैं, मैं देने को तैयार हूँ टाटा को पैसे। मुझे भी पसंद है पारसी, पर मेरा कोई पारसी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है मेरा कोई पारसी दोस्त? अरे वो तुझे थोड़ी दे देगा पैसे। नहीं पैसे दे ना दे, पर एक आई वॉन्ट पारसी फ्रेंड, उनका खाना, उनका लाइफ स्टाइल, वो सब पता चलना चाहिए ना। हाय पारसी। ओ पता, मैंने फर्स्ट कैरेक्टर जो प्ले किया था वो पारसी कैरेक्टर था, जो फर्स्ट फिल्म पे मैंने शूट किया था, जामिया की फिल्म थी, हार्दिक की स्टूडेंट प्रोजेक्ट थी, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था जहांगीर बलसारा। उस समय मेरे बाल ऐसे लंबे से थे, साइड से रखता था, और वो हाँ तुम पारसी प्ले कर सकते हो। रोहिंटन मिस्त्री राइटर की उस पर था, द होम कमिंग, द होम कमिंग नाम था उसका स्टोरी का, उसमें पारसी बॉय था। अने तो हमें, अने तो हमें जमवानू आप ऐसे बोलते थे फादर। फादर बैठे हैं उसमें ब्रेकफास्ट टेबल पे, और मैं अपना लव अफेयर, मेरे लव अफेयर की कुछ बात चल रही है ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो वो एकदम इरिटेशन अपनी दिखा रहे फादर, अने तो हमें जमवानू आप। ये डायलॉग मुझे याद हो गया था, मतलब ये सब मुझे खाना दे मुझे। और उसका नाम क्या था, बहरोज, बहरोज थी मेरी गर्लफ्रेंड जो बनी थी उसमें, बहरोज। वो तो बहरोज जो बिरयानी है वो भी पारसीस की होगी मुझे नहीं पता, होगी शायद जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना।